गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गाइस यार आज इट्स रेनिंग सिंस द मॉर्निंग एट माय होम टाउन, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। कैमरा स्टार्ट करने में प्रॉब्लम। कहाँ पे थे गाइस? मुझे लगता है हम कॉमन रूट स्टार्ट कर चुके थे, राइट? बता सकते हैं? यस सर, हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो हमने केसेस लिख लिए थे इसके के लिखने हैं अभी केसेस? सर हमने टू कॉमन रूट, वन कॉमन रूट और टू चेक इफ वन रूट इज कॉमन डिसाइड डिस्कस किया था। इसके आगे कुछ कंडीशन लिख ली थी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी लिख लिया था क्या? यस सर। ओके, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी। तो मैं एक बार फिर से फटाफट से डिस्कस कर देता हूँ क्या हमने पढ़ा था। ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। This, इन दोनों के दो दो रूट्स होंगे। ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट सेम हो, यानी कि दोनों के दो इक्वेशन जो दोनों क्वाड्रेटिक हैं उनके बीच में टू रूट्स कॉमन हो, यानी कि इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसका भी अल्फा बीटा हो, राइट? या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका रूट एक अल्फा बीटा वन है। देखो तो ये केसेस पॉसिबल है, या तो दोनों रूट्स कॉमन हो तो अगर उसका अल्फा बीटा है तो इसका भी अल्फा बीटा हो, या फिर इसके पास एक अल्फा रूट हो और एक बीटा वन हो, इसके पास भी एक रूट तो अल्फा और दूसरा कुछ अलग हो बीटा टू हो, या फिर इसका अल्फा वन बीटा वन एंड इसका अल्फा टू बीटा टू। अगर दोनों के रूट्स अलग अलग हैं तब तो क्या ही कर सकते हैं, तब तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे अपन, राइट? तब तो अपने पास कोई कंडीशन है नहीं। बट अगर इन दो इक्वेशंस के कॉमन रूट्स हैं तब हमारे पास कुछ कुछ कंडीशंस हैं, तो इन्हीं कंडीशंस को हमने डिस्कस करा होगा लास्ट टाइम। जैसे कि ये वाली कंडीशन ये है कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है यानी कि दोनों रूट सेम है तो इक्वेशन सेम ही होंगी गाइस। आपने पढ़े भी है कोइंसिडेंट लाइंस 10th क्लास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ी है। वहां पे एग्जैक्टली सेम चीज पढ़ी है कि अगर दो इक्वेशन सेम है तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब अगर एक इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है तो दूसरी इक्वेशन 2x plus 2y plus 4 is equals to 0 बन जाएगी। मतलब ये लिखी जा सकती है, अगर ये दो अलग अलग इक्वेशन लिखी गई है तो ये दो अलग अलग इक्वेशन है नहीं, क्योंकि बस हमने क्या करा है, हमने पहले वाली इक्वेशन नहीं उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर दो इक्वेशन के रूट सेम है तो इसका मतलब दोनों सेम है और उनके कोफिशियंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए इन दैट केस, अगर दोनों रूट सेम है। और अगर सिर्फ एक रूट सेम है, अगर सिर्फ एक रूट सेम है तो पहले तो हमने आपको ये सिखाया होगा कि किस तरीके से इसका वो रूट निकालना है। मान लो इनका ये दोनों का अल्फा रूट है, सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं। और अगर इन दोनों का रूट अल्फा सेम है तो मैं अल्फा पुट करूंगा पहली इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, सेम आएगा। आप देख सकते हैं अल्फा पुट किया ये बना, दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा पुट किया ये बना k2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मेरे को अल्फा निकालने का था तो मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज कर लिया। अल्फा निकालने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, जिससे क्या अल्फा स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाए। तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, और यहां से डिवाइड में आएगा बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन। ये होगा हमारा कॉमन रूट। तो अगर आपको इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि इनका कॉमन रूट क्या होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कॉमन रूट।
सॉरी हाँ जी, तो एक तरीका तो हुआ कि अल्फा निकालने का, और अगर मैं इस अल्फा को पुट करता हूं किसी भी एक इक्वेशन में तो मेरे पास एक कंडीशन बन गई जिस प्रॉब्लम हो, इसलिए अगर मेरी वॉइस कट हो तो आप प्लीज मेरे से बता दीजिएगा। गाइस अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, कभी भी कट हो तो मुझे बता दीजिएगा जरूर, क्योंकि मुझे मेरे साइड पे पता चल जाता है वैसे तो, अगर नहीं पता चलता है और मेरी वॉइस कट हो रही है तो प्लीज मेरे को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कभी। तो अगर वन रूट कॉमन है तो मैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी की कंडीशन लगा दूंगा। नाउ हाउ टू फाइंड दिस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ए फाइंड आउट करने के लिए आप ए वाले कॉलम को हाइड कर लीजिए, यानी कि इस वाले कॉलम को हाइड करो, हाथ रखो उसके ऊपर। कैपिटल ए बेसिकली कॉलम है ए वन ए टू का लीडिंग कोफिशिएंट्स का, कैपिटल बी कॉमन है बी वन कॉलम है बी वन बी टू का, कैपिटल सी कॉलम है सी वन सी टू का। अगर आप कैपिटल ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं आप ए वाले कॉलम को हाइड करो राइट, और जो भी दोनों बची हुई चीजें होंगी उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 10th क्लास में, यानी कि बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। सिमिलरली कैपिटल बी निकालना है तो बी वाले कॉलम को हाइड करो, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। सी को निकालने के लिए कैपिटल सी कॉलम को हाइड करो, ये बचा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन है कि आपका रूट कॉमन होगा या नहीं होगा, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी के इक्वल अगर आ रहा है तो रूट कॉमन होगा, या अगर आपको कॉमन रूट दिया हुआ है तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी के इक्वल होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर कोई बात नहीं। Now let's apply this in some questions. तो पहला question है हमारे पास, if ax square plus bx plus c is equals to zero, ये हमारे पास एक question, मतलब एक equation है, and bx square plus cx plus a is equals to zero have a common root. अगर इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, यानी कि इसका भी एक रूट अल्फा है तो दूसरे वाले का भी एक रूट अल्फा है, हैव अ कॉमन रूट एंड ए बी सी आर नॉन जीरो, ए बी सी तीनों की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the value of a cube plus b cube plus c cube divided by abc, इसकी क्या वैल्यू आएगी, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू। जी एवरीबॉडी डन, कोई बच्चा है तो हैंड रेज कर दे। ओके, ये तो था तरीका हाउ टू फाइंड
नोहा तूने लास्ट क्लास में नोट कर लिया नेटवर्क में प्रॉब्लम थी क्लास में, कई बार तूने लीव करा था। 20 स्क्वायर की वैल्यू एसी के इक्वल होती है, एबीसी ये है, फाइंड आउट करने के लिए ये तरीका है। ओके चलिए जी, हमें दिया गया है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बढ़िया, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट है तो क्या मैं बी स्क्वायर प्लस टू एसी कंडीशन लगा सकता हूं? अभी तो यही पढ़ा था एग्जैक्टली, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनका एक कॉमन रूट है तो बी स्क्वायर की वैल्यू एसी के बराबर होगी। ये बी एसी कैसे निकलेगा, ये भी सीखा था अभी, बी एसी कैसे निकलेगा। अगर दोनों कॉमन रूट होते तो मैं ये बोल देता कि दोनों के कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल में चाहिए, बट मेरे को दिया हुआ है कि एक है ये इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ये, दोनों का एक कॉमन रूट है। मैंने कहा वन कॉमन रूट तो भाई कंडीशन लगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। हाँ अगर दोनों क्वाड्रेटिक ना होती, एक क्वाड्रेटिक होती एक क्यूबिक होती या कुछ और होती, डिग्री अलग अलग हो जाती, तब मेरे को अलग तरीके से सोचना पड़ता, बट इसके लिए तो अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखा है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी के बराबर होना चाहिए। हमने कहा चलो ए बी सी निकाल लेते हैं, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के नीचे साथ लिखा जाता है यानी कि ए बी, कैपिटल बी बोले तो एक्स के कोफिशियंट यानी कि बी कॉमा सी, कैपिटल सी बोले तो कॉन्स्टेंट सी कॉमा ए। बी स्क्वायर निकालना है तो बी निकालने के लिए ये कॉलम हाइड करो, बचेगा ए इंटू ए ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। फिर निकालना है ए सी, ए को हाइड करो, बचा ए बी माइनस सी स्क्वायर। फिर निकालना है सी, सी को हाइड करो, बचेगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। मैंने इसको कैलकुलेट करा, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर निकालूंगा तो ये आया ए की पावर फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी सी। बी स्क्वायर का ए सी माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन करा तो ए बी का ए सी के साथ मल्टीप्लीकेशन बना ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी क्यू, जब ए बी का माइनस बी स्क्वायर के साथ करो, फिर माइनस सी स्क्वायर का ए सी के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, इट बिकम्स माइनस ए सी क्यूब, एंड अगेन इफ आई मल्टीप्लाई माइनस सी स्क्वायर विद माइनस बी स्क्वायर इट विल बिकम प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं ऑब्जर्व करता हूं इधर वाली साइड पे भी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है एंड दिस साइड ऑल्सो गॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके ये पावर क्यूब वाली चीजें एक तरफ कर लेता हूं, ए की पावर फोर प्लस ए बी क्यू प्लस ए सी क्यू, और इसलिए एक साथ किया है बिकॉज आई कैन टेक ए कॉमन आउट ऑफ इट, और ये माइनस टू ए स्क्वायर बी सी को इधर लेके आ गया क्योंकि इधर भी एक ए स्क्वायर बी सी है तो इट विल बिकम थ्री ए स्क्वायर बी सी। मैं ए कॉमन ले सकता हूं फर्स्ट थ्री टर्म्स विच विल बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इन केस आई टेक ए कॉमन, और दूसरे वाली साइड पे मेरे पास ऑलरेडी एक ए है सो आई कैन कट वन ए फ्रॉम वन ए दिस से, ये बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू थ्री ए बी सी।
दोनों साइड को एबीसी से डिवाइड कर दो, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी, इसलिए दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं आप एंड इट विल बिकम सी, यही हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास एक कॉमन रूट है तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू बन जाएगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम can ask me. और जब भी एक कॉमन रूट होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगी हमारी कंडीशन। और अगर मैं उससे पूछता कि वो कॉमन रूट क्या होगा, वो कॉमन रूट कौन सा होगा, तो उस अल्फा को निकालने के लिए मैं फिर से फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। कॉमन रूट जो इनका होगा वो होगा, आप देख भी सकते हैं कॉमन रूट का फॉर्मूला, कि हम इसके कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब बी से मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगी बी स्क्वायर और बी सी बन जाएगा। यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये ए सी और ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये बनेगा गाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस ए सी, ये होगा वो कॉमन रूट दोनों इक्वेशन। आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी आपने बनाया था, उसके हिसाब से भी ये यही बनेगा। तो अगर एक कॉमन रूट है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लगा सकते हैं, अगर दो कॉमन रूट हैं तो कोएफिशिएंट्स के रेशियो को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। डिपेंड्स कि हमें क्या दी है, हाँ जी आगे बढ़ सकते हैं क्या, कौन बच्चा है सिर्फ वो हैंड रेज कर दे जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया। If you have any question, you can ask me. By the way, yeah, the next two questions we common root we करने वाले हैं। Okay, so we have been given again two equations. If the equation और इक्वेशन क्या है एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फिर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैव अ कॉमन रूट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में मैं ये दिया गया है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो
दूसरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। और ए बी सी मेरे को तीनों रियल नंबर्स दिए गए हैं, बोला गया है इनका एक कॉमन रूट है, क्या आप ए बी और सी का रेशियो बता सकते हैं? यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। आई गिव यू टू मिनट्स, पहले आप ट्राई करो। बस मेरी तरफ से एक ही हिंट है कि जब मेरे को दो अननोन इक्वेशन दी गई होंगी तब तो मैं सबसे पहले कंडीशंस लगाने के बारे में सोचूंगा, बट अगर मेरे को एक इक्वेशन सामने ही दे दी है मेरे x square plus 5x plus 8, तो मुझे लगता है काफी आसान हो जाना चाहिए। अब बस लेट्स जस्ट थिंक इट दैट वे। डायरेक्टली आप बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी या जो भी आप लगाना चाहते हो, उससे पहले जरा रुक जाओ, सोच लो कि मेरे को इक्वेशन ही दी गई है सीधी, तो रूट्स निकालना तो बेहद इजी है। नाउ थिंक अबाउट इट, मतलब टाइम रिड्यूसेस टू 1.5 मिनट ऑल्सो। यशिका कुछ समझ आ रही है बात? यस सर। क्या कर रही है फिर बता मेरे को, कैसे अप्रोच कर रही है? सर मैं फर्स्ट इक्वेशन की रूट्स ढूंढ रही हूँ। क्या आ रहे? सर माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट सेवन अपॉन टू। मुझे तो लगता है यशिका गलत है। मुनीब क्या आ रहे हैं रूट्स? सर अभी कर रहा हूं। कोई भी बताएगा मुझे रूट्स के बारे में, इसके रूट्स कैसे आ रहे पहले कुछ? अच्छा करो नोहत, नेटवर्क की प्रॉब्लम क्या बच्चे? Yes, sir. एक हमने यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि एक कॉमन रूट है इनका, हैव अ कॉमन रूट, इनके दोनों के बीच में एक कॉमन रूट भी है, ए बी सी का रेशो है। तो हमने आज तो दो मिनट दिए थे, मिनट हो चुके हैं तीन और आंसर नहीं आया। नहीं और तू ट्राई कर ले, क्या पता भी आ जाए आंसर। हमने एक हिंट भी दिया था कि कॉमन रूट है, अगर यार पहली बारी में तो अब हमें तो इक्वेशन ही पता है डायरेक्टली x square plus 5x plus 8 is equals to 0। आप कह रहे हो कॉमन रूट है, यानी के दोनों इक्वेशन के एक दोनों इक्वेशन में सेम एक कोई वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर दिया।
ऋषिका देख डी माइनस सेवन आ रहा है, रूट तो बच्चे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रूट ही आ रही है दोनों। तो तूने रूट सेवन बोला मुझे। Yes. अगर तू मेरे को रूट सेवन ना बोलती तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं तुझे और हिंट देता। सिद्रा नहीं, डी नेगेटिव है बच्चे, तो वो रूट ऑफ माइनस सेवन होगा, यानी कि रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं या नॉन नेगेटिव रूट्स हैं, सॉरी नॉन रियल रूट्स हैं। जब डी माइनस सेवन होता है तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो बच्चे दोनों रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि अब इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट नहीं रह गया। इसका मतलब दोनों कॉमन रूट है, जो इसके रूट होंगे दोनों वही इसके भी दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस बीटा आई है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस बीटा आई हो जाएगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के दो कॉमन रूट दिया उसने एक हुआ था, और उसने आपको इक्वेशन भी तो दिया है डायरेक्टली, इसीलिए तो दी थी डायरेक्टली इक्वेशन की, आप रूट निकाल लो और आप पता कर लो इस बात का कि एक नहीं है कॉमन रूट, दोनों कॉमन रूट है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके भी बोथ कॉम्प्लेक्स रूट, इसके भी दोनों रूट वही होंगे जो उसके हैं। अगर रियल रूट होते तो तब तो अलग अलग हो भी सकते थे, चलो इसका एक टू है एक फाइव है, इसका एक टू है और एक सेवन है, या व्हाटएवर है, फाइव के अलावा कुछ हो सकता है। बट अगर कॉम्प्लेक्स रूट है और दोनों का एक रूट सेम है तो दूसरा भी सेम ही होना है, फिर तो डेफिनेटली चॉइस थोड़े ना है कोई फिर हमारे पास। इसके भी यही दोनों रूट होंगे, और अगर इसके भी यही दोनों रूट होंगे तो मतलब दोनों रूट कॉमन होंगे, और अगर दोनों रूट कॉमन होंगे तो क्या इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्या आंसर बी नहीं होगा, ए बी सी का रेशियो 1:5:8 ही होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, किसी में वो समझ नहीं आया। अनवी क्वेश्चन समझ आया तेरे को? यस सर आ गया। चलिए नेक्स्ट करो फिर, अगर ये बात समझ जाए तो। अब नेक्स्ट वाले में हमने क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा दिया, बदल दिया, तो इस पे दो तरीके के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब तीन तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों हमने यहाँ पे आपको दिखा दिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए। इफ द इक्वेशंस या द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, अगर कहीं तो पूछ रहे ना मुझसे इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हैव टू रूट्स इन कॉमन, देन ए प्लस बी मस्ट बी। Then A plus B must be equal to, A plus B की क्या वैल्यू होनी चाहिए,
एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स निकालना तो आसान काम नहीं है, बट हो सकता है निकाल भी लो, वो एक अलग बात है। तो ये कह रहा है दोनों के बीच में दो रूट्स कॉमन है, यानी कि अगर इसका रूट अल्फा कॉमा बीटा है तो इसके रूट अल्फा बीटा तो है ही, साथ में एक और कोई होगा वो अलग बात, अल्फा बीटा का। अब आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा हो, बच्चा जिसने ऊपर वाला क्वेश्चन नोट ना करा हो तो he or she can raise। सिद्धरा कैसे कर रहे हो बताओ मुझे। ये हमजा बताएगा कैसे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो anyone can discuss his or her third, जो भी कर रहे ट्राई, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं। If आप discuss करना चाहते हैं। सर मैंने चारों की रूट्स को के प्रोपोर्शन को इक्वेट कर लिया, मतलब 0/1 = a by minus 2 = a = 2 = a upon minus 2। जशिका वो तब करेंगे, हम एक बात समझ, वो हम तब करेंगे जब हमारी इक्वेशन सेम हो। प्रोपोर्शनेट करने का ये मतलब है कि हमारे दोनों इक्वेशन सेम है, क्या ये हमारी दोनों इक्वेशन सेम है? ये
ये तो हो ही नहीं सकती सेम, क्योंकि एक तो क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है, ऐसे समझ लो इक्वेशन सेम कैसे हो सकती है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x क्यूब का कोएफिशिएंट 0 ले लिया। नहीं तो अब मेरी अब ऐसे समझ कर मुझे पता था, चल गुड, मैंने एक्सप्रेशन ये करा। हमारी दो इक्वेशन सेम कैसे बोली जाएंगी, क्या समझती है दो इक्वेशन अगर हम सेम बोल रहे हैं तो इस बात से? उनके सारे रूट सेम होते हैं, ये मतलब होता है, तभी तो कोइंसिडेंट लाइंस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बन रही होती थी, क्योंकि उनके सारे सॉल्यूशन सेम होते थे। एक के तो सॉल्यूशन ही दो है बच्चे, एक के सॉल्यूशन तीन है, तो इक्वेशन सेम कैसे हो सकती है? फिर से वापस आता हूं मैं अपने क्वेश्चन, तुमने कोफिशिएंट तो सेम करके बता दिया या तुमने डिग्री तो सेम करके बता दी, बट क्या कभी भी किसी भी तरीके से तू रूट नहीं बता सकते? ट्राई भी मत कर, हम नहीं बना सकते ऐसे क्यूबिक से क्वाड्रेटिक से क्यूबिक इक्वेशन। मतलब अगर इन दोनों को सेम होना था तो दोनों के रूट्स वही होने चाहिए थे, एग्जैक्टली सेम जो भी होते, ये मैटर नहीं करता। तो पहली बात तो ये दोनों इक्वेशन बच्चे सेम ही नहीं है। जब तक दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, और सेम होने का मतलब है कि दोनों इक्वेशन के रूट्स इक्वल नहीं है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वही रूट्स नहीं है जो पहले वाले इक्वेशन के थे, तब तक दो इक्वेशन सेम नहीं है। और जब तक दो इक्वेशन सेम नहीं है तो उनके कोफिशिएंट को प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। ऑल्सो हमने जो भी अभी तक देखा था वो दो क्वाड्रेटिक के लिए देखा था, बट इस बार हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी अलग आ चुकी है, और प्रॉब्लम ये कह रही है कि पहले के रूट है अल्फा बीटा है और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दूसरी एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और उसके और पहले वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक के दोनों के दो कॉमन रूट्स हैं। वो कॉमन रूट को मैंने अल्फा बीटा मान लिया, तो क्यूबिक के पास एक रूट और है विच कैन बी गामा। बट गाइस हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स तो लगा सकते हैं यार, देखो वो अप्लाई करो ना, अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। भाई पहले वाली इक्वेशन में मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, क्या होगी? माइनस के बी अपॉन ए होगी, साथ साथ अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, सी अपॉन ए होगा, सी की जगह ए लिखा होगा, यानी कि ए अपॉन ए होगा, यानी कि वन होगा, अल्फा इंटू बीटा वन है, ये मिली काम की चीज। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, अभी तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा उसका डायरेक्टली, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे चलते हैं, इस वाली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू टू है, टू माइनस के बी अपॉन ए ही लगाया है। दूसरे वाले इक्वेशन में अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा तीनों का सम इज इक्वल्स टू टू है, सी अपॉन ए होता है। ओके फिर से देखिए तीसरी इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा माइनस के डी अपॉन ए होता है, माइनस के माइनस वन अपॉन वन हो जाएगा, यानी कि वन ही हो जाएगा। अल्फा बीटा आपके पास ऑलरेडी है पहली इक्वेशन से, और अब आपने अल्फा बीटा गामा भी निकाल लिया, आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो पिछली इक्वेशन से विच इज वन, तो गामा आ जाएगा गाइस वन। आपने सीधा तीसरा रूट निकाल लिया, ये है बेस्ट चीज तो। और जैसे आपने तीसरा रूट निकाला इस इक्वेशन में जाके पुट करो, आप आपने अल्फा प्लस बीटा था माइनस के बी अपॉन ए, आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा के बीच में नहीं। अल्फा बीटा से तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करा, बट आप काफी आगे तक पहुंच गए हो,
अल्फा प्लस बीटा की जगह रखा पहले वाले रिलेशनशिप से, माइनस बी अपॉन ए, गामा रखा 1 इज इक्वल्स टू 102, यानी के माइनस के बी अपॉन ए 1 गया राइट हैंड साइड पे, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बी इज इक्वल्स टू ए हो गया, माइनस बी को उधर लेके गया, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा ए प्लस बी, 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यही पूछा गया था, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल 0 होना चाहिए। क्या बात समझ आई? प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल पूछिए, बट यूज हमने देखो डायरेक्टली बिल्कुल अपना रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट ही करा है। मैं क्यों बोल रहा था ये रूट अल्फा बीटा है तो ये अल्फा बीटा गामा है, इसीलिए तो बोल रहा था, आप अल्फा बीटा के रिलेशनशिप को यूज करो, देखो आपको एक पहले वाले एक्सप्रेशन से भी सेम चीजें मिल रही होगी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में भी आप जाके पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ तीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था जब दोनों चीजें अननोन थी, दोनों इक्वेशंस अननोन थी, अगर दोनों इक्वेशंस अननोन थी इन दैट केस आपको कंडीशंस लगानी होंगी। अगर एक क्वेश्चन एक इक्वेशन नोन हो और दूसरी इक्वेशन अननोन हो तो आप पहली वाली इक्वेशन के रूट्स निकालिए, कोशिश करिए रूट्स फाइंड आउट करो और तब आगे बढ़ो क्वेश्चन में, तो बहुत ही अच्छा होगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हाटएवर द प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम इज। तीसरी इक्वेशन भी यही था, एक इक्वेशन अननोन थी, ax2 plus bx plus a was unknown and x cube minus 2x2 plus 2x minus 1 is equal to 0 was known। आप चाहो तो इस क्यूबिक के रूट्स भी निकाल सकते थे, हिट एंड ट्रायल से आप इसका एक रूट निकाल लेते सीधा 1 और फिर x minus 1 से डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को, जैसे 10th क्लास में किया करते थे, तो वैसे भी सॉल्व हो जाता, बस उससे तो इसीलिए बजाय उसके जाने के आप रिलेशनशिप भी यूज कर सकते थे, यहां से भी सारे वही काम कर सकते हो जो वहां से करने। Can we start the next topic? Sidra, actually मैं wait कर रहा था तुम लोग लिखो, am I audible now? Yes sir. Okay. Okay, कोई बच्चा हो तो hand raise कर दे, otherwise you can start. Okay. चलिए अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक पे हम इस चैप्टर पे, एक ये बचा और एक फिर एक और लास्ट टॉपिक बचा, तो इसमें हम आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और उनके ग्राफ्स के बारे में बताने वाले हैं। बोल दो आप इस चीज को पहले भी पढ़ के आए हैं,
बट अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्राफ में. चलिए तो यार कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गाइस यहाँ पे सभी लोग फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं. कौन पढ़ा रहा है फिजिक्स पहले तो ये बताओ कौन कौन किससे पढ़ रहा है फिजिक्स. नोहा कहाँ कि कौन पढ़ा रहा है बता. टीचर का नाम कौन कौन पढ़ा रहा है. सर आजम सर पढ़ा. मोस्टली सब आजम सर या एसआर सर से ही पढ़ रहे होंगे राइट. कोई से अलग पढ़ रहा है तो वो बता दे. ठीक है नोहा बता जरा मेरे को कहां तक पहुंचे फिजिक्स के सिलेबस में. मतलब जनरल आइडिया दे दे मेरे को कौन से चैप्टर पे होगी. अरे आती मुझे फिजिक्स तो बता. So, centripetal force के around. Centripetal force के around. Good. तो circular motion पे पहुंच चुके हैं. तो circular motion पे पहुंच चुके हैं नोहा तो फिर तो काफी चीजें पढ़ के आ चुके हैं. मतलब पूरा FBD वगैरह बनाना सीख ही लिया होगा और motion in one direction, projectile motion ये सब तो सीख ही चुके हैं right? Friction. Okay. चलो हमें तो बस इतनी बात से मतलब था. वैसे बहुत ही कम डिमांड थी हमारी तो. हम तो ये पूछना चाहते हैं आपने ग्राफ्स तो पढ़े ही होंगे फिजिक्स में अभी तक. जब XT का ग्राफ बनता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम या VT का ग्राफ बनता है AT का भी बन सकता है AX का भी बन सकता है XV का भी बन सकता है कुछ भी बन सकते हैं. जब आपने ग्राफ बना के देखे तो वहां पे आपको जैसे XT का ग्राफ बन रहा था तो एक एक्सिस पे हमने T लिया था और एक एक्सिस पे हमने एक्स लिया था राइट. एम आई राइट. नहीं याद है ग्राफ भूल चुके हो. इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ तो तुम्हारे आगे की स्टडी का. यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्राफ्स. ग्राफ तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे चलते हुए. चलिए अब क्योंकि ग्राफ आप पढ़ चुके हैं तो मैं भी आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ. ग्राफ मेनली आप मैथ्स में ही पढ़ेंगे और जितनी एप्लीकेशन कर पाएंगे उसकी वो फिजिक्स में होगी भी. फिजिक्स में एप्लीकेशन मैथ्स में तो मैं एप्लीकेशन दिखाते ही रहूंगा काफी जल्दी. आगे चलेंगे कुछ क्वेश्चंस अभी इसी चैप्टर में ऐसे भी करेंगे जहाँ पे सिर्फ विच आर ओनली पॉसिबल. इस चैप्टर में नहीं आगे करेंगे कभी. विच आर ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. कुछ इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते ही नहीं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से ही सॉल्व हो सकती है. खैर उससे पहले अभी हम दूसरी बात करते हैं. तो ग्राफ आपने पढ़ा तो है आज तक x एक्सिस y एक्सिस बट मैं आज आपको एक जनरलाइज्ड बात बताना चाहता हूँ. x एक्सिस और y एक्सिस तो हमारा रेफरेंस होते हैं गाइस. मतलब रेफरेंस से मेरा ये मतलब है कि x एक्सिस मतलब एक वेरिएबल वो x हो सकता है वो xt के ग्राफ में t हो सकता है टाइम या कोई भी हो सकता है. तो एक वेरिएबल x एक्सिस पे लिया जाता है एक वेरिएबल y एक्सिस पे लिया जाता है. जब भी मैथ्स की हम बात करते हैं तो मैथ्स में जनरली पूरे एक्सप्रेशन को y से इक्वेट कर देते हैं. y कि हम y की वैल्यू यानी कि पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू बन रही है उसे y एक्सिस पे देख रहे होंगे और हम क्या इनपुट दे रहे हैं यानी कि x की क्या वैल्यू रख रहे हैं उसे हम x एक्सिस पे रख देते हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ ऐसे ही बनाऊंगा ना. मान लो मेरे को किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. ये इक्वेशन है x square plus 2x plus 3. तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हुए मैं x को रखते रहूंगा और कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे को मिलती रहेगी. तो जैसे x को 0 रखा तो वैल्यू मिली 3. तो ये ग्राफ 0.3 से पास हो रहा होगा. वो जो 3 है वो y की वैल्यू मान लेते हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ बस y को ax square plus bx plus c रख देते हैं जिससे कि हम एक्चुअली ग्राफ बनाना चाहते हैं कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी
जब क्या x होगा, अलग अलग x पे इस फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी. सो द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन आर कंसिडर्ड एज y. या आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी का ग्राफ बनाना है आप उस वैल्यू को y के बराबर रखिए, आप उसका ग्राफ बना सकते. y is equals to ax square plus bx plus c हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसका ग्राफ बनाने से पहले मैं एक काम दोबारा कराना चाहूंगा आपको, करा चुके हैं वैसे तो हम, बट दोबारा कर लेते हैं. आ जाओ इसको क्या करना है जी, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, आपको याद है. बट मैं आपको एक तो यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बना था, और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि इस ग्राफ में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो जब मैंने आपको लास्ट टाइम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्स मिनिमम वैल्यूज निकालना, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू निकालना, और वो वैल्यू हमने निकाल के भी देखी थी. चलिए फटाफट इसको मैं लगा देता हूँ. ए कॉमन लूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. भाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बनाना होता था, जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बन जाएगा आप उसके बाद x का कोफिशियंट चेक करेंगे. x का कोफिशियंट है b अपॉन a, इसका हाफ करो यानी कि b अपॉन 2 है, हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड करो, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो प्लस c बाई a. ये बन जाएंगी पहली तीन टर्म्स बना देंगी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर. यहां पे ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि नीचे 4a स्क्वायर बन जाए, तो ये बन गया प्लस के 4ac, ऊपर तो बना 4ac नीचे बना 4a स्क्वायर, और माइनस का बन गया b स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनेगा 4a स्क्वायर. ये आगे और थोड़ा सा सॉल्व करा तो a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऊपर बन गया. अगर माइनस कॉमन ले लू ऊपर से तो ये बन जाएगा, चलो माइनस कॉमन ले रहा हूं, ऐसे देख ऊपर बन जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. यार ध्यान से देखो जरा 4ac माइनस बी स्क्वायर, d की वैल्यू होती थी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस d तो लिखा हुआ है, ये d का नेगेटिव पार्ट ही तो. तो इसको लिख दिया माइनस d, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, माइनस ऑफ d अपॉन 4a स्क्वायर. a से अंदर जाके मल्टीप्लाई करा तो पहले वाली टर्म से एक को मल्टीप्लाई करा ये बन गया, दूसरे वाली टर्म से एक को मल्टीप्लाई करा तो नीचे का एक ए कैंसिल हो गया. यानी कि ये वैल्यू आ गई. अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानना चाहते हैं कैसे बना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताता है, सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको इस पूरी वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर देना चाहिए. जीरो से इक्वेट करेंगे डी को उधर भेज दो, देखो उधर भेज दो. अगर आप क्वाड्रेटिक प्रूफ बनाना चाहते हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ दिखाना नहीं है, अगर आप चाहते हैं देखना तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, छोटा सा काम का नहीं है मेरे अभी तो, ये तो 10th क्लास में सिखा दिया गया था, मैं ऑलरेडी आप एनसीईआरटी उठा के भी देख सकते हैं. बट अगर आप देखना चाहते हैं कैसे बना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया, जीरो से इक्वेट करा तो माइनस डी अपॉन 4a को दूसरी साइड लेके चला गया, a नीचे आया तो ये 4a स्क्वायर बन गया, इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, यानी कि x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू, स्क्वायर हटाऊंगा प्लस माइनस लगाऊंगा गाइस, साथ साथ रूट भी लगाऊंगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा 4a स्क्वायर सॉल्व होकर 2a बन जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही x की वैल्यूज आती है, देख सकते हैं ये यहां से आई. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आया, बट मेरे बिल्कुल कोई अभी
काम नहीं है मुझे इसका। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता था इसलिए मैंने ये लगाया। कोई भी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है अगर वो लीनियर इक्वेशन हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री इन्वॉल्व या हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व ऑफ एनी वेरिएबल इज वन। मतलब अगर हमारी डिग्री वन है किसी इक्वेशन की, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। वैसे ही अगर हमारे पास एक वेरिएबल की डिग्री वन है, दो वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल की डिग्री वन है और दूसरे वेरिएबल की डिग्री टू है, तो ग्राफ पैराबोला होगा। तो ग्राफ पक्की बात है पैराबोला होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं y is equal to ax square plus bx plus c, y की डिग्री वन, x की डिग्री टू, दो ही वेरिएबल है और तो ग्राफ पैराबोला होगा। उल्टा भी हो सकता था ये, x is equal to ay square plus by plus c, पढ़ेंगे भी हम आगे चल के, पैराबोला चैप्टर है हमारा इस साल, उसमें हम ये चीज पढ़ भी लेंगे। बट आज ही बता देता हूं आपको ये एक जनरल बात है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वैसे बच्चे हमेशा अगर एक दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल लीनियर है और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, तो ग्राफ हमेशा पैराबोला। अगर एक्स क्वाड्रेटिक है और वाई लीनियर है, तो ग्राफ दो ही तरीके का, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्या कोई मुझे बता सकता है अपवर्ड पैराबोला कब होता है और डाउनवर्ड पैराबोला कब होता है? ओके चलिए मैं बता दू, यही बताना है अब, ये डिस्कस करना होगा अपवर्ड पैराबोला कब है, डाउनवर्ड पैराबोला कब है। 9-13 वीडियो ऑन हो गया तो जस्ट सो यू नो आई कैन सी यू, तो पढ़ाई नहीं कर रही। ओके यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चली, बाय द वे y is equals to a times x plus b upon 2a का whole square minus d upon 4a। यही काम यार मैंने ऑलरेडी करके लाया हूँ, पहले तो इसको नोट कर और दो चीजें समझ ले। जिसने भी ये नहीं लिखा हैंड रेज कर लो, मुझे पता चल जाएगा कब आप फिनिश कर पा रहे हो। अगर आप लिख चुके हैं तो मैं डायरेक्टली आगे से भी बोल सकता हूँ, उससे मैं पूछ रहा हूँ। ओके सभी लोग लिख चुके हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्ट। यार हमारा ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? अपवर्ड पैराबोला क्या, पहली बात तो पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होती है, पैराबोला की शेप, और अगर ये इसका ऊपर फेस बोला जाता है, देखो ये मुड़ के चला गया है, ये कभी मीट नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, ये ऐसा बढ़ता ही जा रहा है। आप इसको और अच्छे से देखने के लिए बुक यूज कर सकते हैं, मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल ये शेप मैंने आपको आइडिया दे दिया है, बिल्कुल आपने देखी भी होगी ऊपर। तो ये होता है अपवर्ड पैराबोला, ऊपर जहां से ये बढ़ रहा होता है आगे, ये इसका फेस बोला जाता है, दिस इज द फेस ऑफ पैराबोला। तो अगर फेस अपवर्ड है ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड पैराबोला बोल दिया जाता है। और अपवर्ड पैराबोला बनता है जब a ग्रेटर देन जीरो होता है। अपवर्ड पैराबोला अगर ऐसा बना हुआ है तो आपने 10th क्लास में ये भी पढ़ा था कि किसी भी ग्राफ से हम रूट निकाल सकते हैं उस इक्वेशन के। अगर आपने किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया और ग्राफ x एक्सिस को कट करके नहीं जा रहा,
तो इसका मतलब है उसका कोई रूट नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा कि अपवर्ड का बोला हमेशा ऐसे ही होगा जैसे मैंने बनाया, ऐसा भी हो सकता है गाइस, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। बट अपवर्ड होगा, फेस ऊपर की तरफ ही होगा। सिमिलरली दूसरा तरीका, दूसरा ग्राफ, ये पॉसिबल है डाउनवर्ड पैराबोला। ये तीनों डाउनवर्ड पैराबोला है। तब होगा जब लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, तब होगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब आपने इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट, सॉरी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकाली, डिपेंड करता था ए पे, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो रिवाइज करना है, मैंने लिखवाई हुई है सारी चीजें। ए पे डिपेंड करता था मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये स्क्वायर जीरो हो जाए और ये ए होता पॉजिटिव, तो हम इस वैल्यू को कभी भी माइनस डी अपॉन फोर ए से छोटी नहीं कर सकते। फिर से सोच लो, अगर माइनस डी अपॉन फोर ए में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और वो ऐड करने वाली चीज स्क्वायर है, और ऐड कब कर रहे होंगे, जब ए का साइन होगा पॉजिटिव, ए का साइन होगा पॉजिटिव, तो ग्राफ भी देख लो आप ऐसे बन रहा है। ये वाई यानी कि एक्सप्रेशन की वैल्यू इस पॉइंट से नीचे कभी नहीं जाएगी इस केस में, जो ये ग्राफ मैंने अभी बना के दिखाया है, या अगर ग्राफ ऐसा होता तो इस केस में इससे नीचे कभी नहीं जाती वाई की वैल्यू। मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। मिनिमम तब एग्जिस्ट करती है जब ए होता है ग्रेटर देन जीरो, और वो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस के डी अपॉन फोर ए। मैक्सिमम तब एग्जिस्ट करती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे कि ये केसेस है, जब डाउनवर्ड पैराबोला हो यानी कि ए हो नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव होगा तो मैं इस इक्वेशन को चाह के भी माइनस डी अपॉन फोर ए से ऊपर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि माइनस डी अपॉन फोर ए में से कुछ ना कुछ घटेगा ही, और जो घट रहा है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बड़ा नहीं बना सकते माइनस डी अपॉन फोर ए से, छोटा ही बना सकते हैं। खैर, कैन आई रब दिस? चलिए, तो ये तो हुई डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला की बात। अब बात करते हैं जरा पहला केस, when there are two real and distinct roots जब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दो तरीके का ग्राफ बन सकता है, या तो अगेन अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करके जा रहा होगा। मैं नहीं कह रहा इसके ऐसी शेप, मतलब शेप तो ऐसी बनेगी पर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे कट करेगा, नहीं, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है ग्राफ, वो तो अलग अलग इक्वेशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग ग्राफ बनेगा, बट कट हमेशा दो ही पॉइंट पे कर रहा होगा ग्राफ एक्स एक्सिस को। जो दो पॉइंट्स होंगे उन्हें मैं अल्फा बीटा बोल देते हैं, आप इन्हें अल्फा बीटा को निकालना जानते हो। अल्फा निकल जाता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए से, या माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए से, और बीटा फिर दूसरा उसके ऑपोजिट साइन लेते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और ये जो नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट होगा, ये होगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए, मतलब वाई की मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर ए होगी। कहां पे आएगी ये, जो अभी आप पिछले वाला एक्सप्रेशन बना के आए हो, अगर उसमें होल स्क्वायर को जीरो कर दो तब उस पॉइंट पे आएगी। होल स्क्वायर जीरो कैसे होगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए होगी,
x plus b upon 2a को जीरो कर दो। और भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है? इंफिनिटी, जितना ऊपर तक बढ़ाना है बढ़ा दो, नीचे इससे लेके नहीं जा सकते बस। तो अभी जो आप पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, कोई जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो माइनस डी अपॉन फोर ए। बस ये ध्यान रखते हुए कि a ग्रेटर देन जीरो है या a लेस देन जीरो है। अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला के केस में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होती है। एक और बात नोटिस कर सकते हैं, y पॉजिटिव कब है, यानी कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब है। y पॉजिटिव का मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब है। y पॉजिटिव है या तो x की वैल्यू अल्फा से छोटी रखी गई हो अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड पे या बीटा के राइट हैंड साइड पे। तो अगर y पॉजिटिव है तो x शुड बी लेस देन अल्फा और x शुड बी ग्रेटर देन बीटा। यही आप काम वेवी कर्व से सीख के भी आए हो, ये आप वेवी कर्व से सीख के आए हो, वेवी कर्व भी यही आंसर देगा, टेंशन मत लो इसका तो आप जानते हो। और y जीरो होगा जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा होगी, यानी कि y जीरो का मतलब ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, और y नेगेटिव होगा इस पोर्शन में, ये रहा y नेगेटिव है x एक्सिस के नीचे आ रहा है, जब x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में होगी। इस बार दूसरा ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है, इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट, यानी कि जब जो मैक्सिमम y की वैल्यू पॉसिबल है वो भी यही है माइनस डी अपॉन फोर ए। वैल्यू बदल जाएगी, कुछ और आ जाएगी, ये तो डिपेंड करता है, d की वैल्यू तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है, पर होगी यही। इस केस में y मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, कितना होगा माइनस डी अपॉन फोर ए होगा, कहां पे होगा, वही होगा x की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए ही रखनी पड़ेगी, स्क्वायर को जीरो करना पड़ेगा। इस बार y मिनिमम माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, छोटे से छोटी वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो सकती है। फिर से y नेगेटिव, y पॉजिटिव कब है, y पॉजिटिव है जी ऊपर लिख भी देता हूं, y को अल्फा बीटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं हम जानते हैं, और डी ग्रेटर देन जीरो होता है ये भी जानते हैं। y ग्रेटर देन जीरो यानी कि y पॉजिटिव कब है जी, अल्फा से बीटा के बीच में पॉजिटिव है y, मतलब अल्फा से बीटा के बीच में अगर कोई भी x रखेंगे तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। y इक्वल्स टू जीरो होगा, x की वैल्यू अल्फा या बीटा हो, एंड y लेस देन जीरो होगा अगर x की वैल्यू अल्फा से छोटी या फिर बीटा से। ये थी पहली सिचुएशन जब ग्राफ में दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेगा हमारा x एक्सिस पर, और कुछ तरीके की शेप बना रहा है। y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी a पे, बट होगी माइनस डी अपॉन फोर ए, नेगेटिव भी हो सकती है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, निकलेगी इससे यार। सेकंड केस, when two real and equal roots,
तो इस बार ग्राफ टच करके जा रहा होगा। जब भी कोई ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस को, यानी कि दो रूट देके गया है, दोनों सेम ही, बस ये समझो, रूट तो दो ही दिए, बस दोनों सेम है। और रूट निकलेगा सिंपल माइनस बी अपॉन टू ए से। तो बच्चा जिसने नोट नहीं किया प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो इस बार ग्राफ जस्ट छू के चला जाएगा। अगर कभी भी ग्राफ छू के जाता है तो दो रूट देके जा रहा है, बट तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, और अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए के बराबर है, क्योंकि डी जीरो हो जाता है, और मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो होगी जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो क्योंकि डी जीरो है। ऐसे देख सकते हो कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, बस एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। यही तो वाई की मिनिमम वैल्यू है, जीरो कहाँ आएगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए पे आएगी। वाई मैक्सिमम अभी भी इंफिनिटी होगा, वाई लेस देन जीरो पॉसिबल ही नहीं है, ग्राफ नीचे आ ही नहीं सकता कभी एक्स एक्सिस के। ग्राफ या तो जीरो हो सकते हैं, यानी कि वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है, कब, जब एक्स अल्फा के बराबर है, रूट तो दोनों अब सेम ही है, अल्फा बोलो या बीटा बोलो, जब अल्फा के बराबर है यानी कि रूट अगर पुट कर दें इक्वेशन के अंदर तो वाई जीरो हो जाएगा, और रूट के अलावा कुछ भी पुट करें तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेम केस इधर भी बनेगा भाई, सब सेम चीजें हो रही होंगी यार। तो माइनस बी अपॉन टू है, माइनस डी अपॉन फोर है, ये भी इस बार ये जो बाय द वे ग्राफ अभी मैं बना रहा हूं, ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का है, स्पेसिफिक ग्राफ बनाया मैंने, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी हर बार इसकी भी, जब टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, वाई मैक्स सॉरी मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम इस बार जीरो होगी। कहां पे आएगी जी, रूट पे ही आएगी, मिनिमम तो माइनस इंफिनिटी हो सकती है, वाई ग्रेटर देन जीरो पॉसिबल ही नहीं है जी इस बार, वाई ग्रेटर देन जीरो तो हमेशा ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव होगी या जीरो के बराबर होगी, बस नेगेटिव कब होगी, जब रूट नहीं ले रखा होगा, पॉजिटिव कब होगी, जब रूट ले सॉरी जीरो कब होगी, जब रूट ले लेंगे तो। बट ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने स्पेसिफिक ग्राफ बना दिया ऐसे ही के आगे कभी काम आएगा, ग्राफ जो भी होगा एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा होगा, और इसके बाद आप एक छोटा सा पॉइंट भी लिख सकते हैं हैशटैग लगा के, जब ये दूसरा पॉइंट लिख लोगे पूरा, व्हेन एनी ग्राफ when any graph touches x-axis, it has two equal या identical roots at that point.
ये अभी ऑलरेडी क्लास चल रही है बच्चे, ट्रिगो सिद्रा, इसके बाद हम ट्रिगो कराएंगे, बस नीड क्लास, उसके बाद हम ट्रिगो चुके होंगे, बिकॉज ट्रिगो इज अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर जो के हमारे मोस्टली सारी चैप्टर्स में काम आ रहा होगा इसके बाद भी। ओके, कोई बचा है जिसने ना लिखा हो? तीसरा केस, कॉम्प्लेक्स रूट्स, अल्फा बीटा निकाल ही नहीं पाएंगे, मतलब निकाल सकते, वो आएगा ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू डी लेस देन जीरो, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे अभी क्लास के अंदर ही। ए ग्रेटर देन जीरो, जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, पूरा टाइम वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ओके चलिए जी। तो ग्राफ या तो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा या फिर बच्चे कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस होगा, ऐसा भी हो सकता है, कभी भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को कट कर देगा तो इन दैट यार सिमिलर होता है, मतलब मैं ये गलत मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तब भी इसी फॉर्मूले से निकाली जाएगी किसी भी ग्राफ की। तो इसलिए बट हमें ये पता होना चाहिए कि y सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल, उल्टा a जो है ये For all x belongs to real number, सारे x के लिए y greater than zero ही होगा जब upward parabola बन रहा होगा, similarly जब downward parabola बन रहा होगा यानी कि a का coefficient negative होगा तब हमेशा y की value negative ही बन रही होगी और y maximum अभी भी वही formula से निकल रहा होगा minus d upon 4a से। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे पूरे को लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं एक हैशटैग लगा के, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स पॉजिटिव दी गई है तो इसका ये मतलब है कि उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वहां पे पॉजिटिव है और डी तो नेगेटिव है ही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है तो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमेशा नेगेटिव भी है तब भी मतलब उसका रूट तो है ही नहीं, अगर रूट होता तो कट करती ना एक्स एक्सिस को, मतलब उसका कोई रूट नहीं है, ए होगा नेगेटिव डी भी होगा नेगेटिव तभी पॉसिबल है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमेशा नेगेटिव तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब डी लेस देन जीरो, बस इसी बात पे बेस्ड है उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव के कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, ए कैसा है, अगर ए पॉजिटिव है रूट्स कॉम्प्लेक्स है हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी,
अगर a नेगेटिव है, रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। चलिए इस पे फर्दर डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नाउ एक दो क्वेश्चन हमें इस पे करने हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बच्चों, अच्छा रिवाइज करके आने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा टफ होगा, ध्यान रखना। टफेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टफेस्ट नहीं है, इजी है, बट चीजें याद करनी है। मतलब अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी तब आपको टफ लगेगा, तो याद करके आइएगा, देख के आइएगा सारा एक बार क्या पढ़ चुके हैं।